राखे धर्म को तेही राखे करतार, अणि मंत्र रो जाप करे वो मेवाड़ी सरदार। मेवाड़ अपने शौर्य पराक्रम और बलिदान की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। कहा जाता है कि भारत के इतिहास में से मेवाड़ का इतिहास हटा लिया जाए तो बताने के लिए कुछ ज्यादा नहीं रहेगा। और यही मेवाड़ आगामी 25 नवंबर को एक और स्वर्णिम इतिहास रचने जा रहा है। जी हाँ, मेवाड़ राजघराने की 77वीं पीढ़ी के उत्तराधिकारी विश्वराज सिंह की महाराणा के रूप में ताजपोशी होने जा रही है। और यह दिन इसलिए भी विशेष है कि 500 साल बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका साक्षी बनेगा। किले के फतेह प्रकाश महल में रीति रिवाज के साथ सलुम्बर रावत, देवव्रत सिंह, विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक करेंगे। इस दौरान मेवाड़ सहित कई राजघरानों के महाराजा और राव उमराव भव्य राज तिलक के साक्षी होंगे। बता दें कि एकलिंग नाथ के दीवान महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद अब यह पदवी उनके पुत्र विश्वराज सिंह मेवाड़ को नवाजी जाएगी। चित्तौड़ किले पर करीब 500 साल पहले महाराणा विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था और अब यही इतिहास विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक के बाद दोहराया जा रहा है। इस ऐतिहासिक पल को जानने से पहले आपको मिलवाते हैं इतिहासविद लोकेंद्र सिंह चुंडावत से, जिन्होंने हमारे सहयोगी राजेंद्र सिंह शेखावत को बताया कि मेवाड़ में महाराणा के निधन के बाद किस तरह से उनकी डोल यात्रा निकलती है और महासत्या में मुखाग्नि तक की क्या क्या मेवाड़ी परंपराएं जुड़ी हैं। जब भी मेवाड़ के राज परिवार में महाराणा का देहांत हो जाता है तो कुछ निश्चित प्रक्रियाएं संपादित की जाती। सबसे पहले राजमहलों के 4-5 दरबारियों का एक समूह महासत्या जी का दौरा करता है और उस स्थान विशेष का चयन करता है जिस स्थान पर महाराणा का दाह संस्कार किया जाना है। दरबारियों के पुनः लौटने के बाद उससे पहले ही जब महाराणा का देहांत हो चुका होता है तो उनको बैठक दे दी जाती है। बैठक का मतलब यह है कि उनके डोल को बैठा कर ले जाया जा सके, इस हिसाब से किसी थंबे के आसपास सेट कर दिया जाता है। उनको बैठक देने के पश्चात महाडोल बनाया जाता है और महाडोल में स्वर्गीय महाराणा को विराजित किया जाता है। स्वर्गीय महाराणा के विराजित करने का काम और उनके साथ में वो सभी हथियार जिनका अक्सर वो प्रयोग करते हैं, डाल, तलवार वगैरह, वो सब उनके साथ लगाए जाते हैं। और ये काम करने का काम बड़े पुरोहित जी के परिवार का होता है जो मेवाड़ राज परिवार में है। महाडोल को महलों से एक निश्चित रास्ते पर होते हुए महासत्या जी तक ले जाने का कार्य बड़े राजपुरोहित जी और उनके परिवार के जनों द्वारा ही संपादित होता है, बाकी कोई भी उसके हाथ नहीं लग सकता। महाराणा के देहांत होने पर उनका ज्येष्ठ राजकुमार जो मेवाड़ का भावी महाराणा बनेगा वो शोकावस्था में सफेद वस्त्र धारण करके और अपने सिर पर अंगूछा बांध करके चुपचाप एक तरफ बैठ जाता। जब महाराणा की अर्थी रवाना होती है राजमहल परिसर से तो चरी लेने का काम राणावतों की एक विशेष शाखा है लापावत, उसके परिजन का होता है। उस चरी लेने का अधिकार भी राणावतों की शाखा लापावत राज परिवार का है जो शुरू से ही राज परिवार के दाह संस्कार में ये कार्य संपादित कर रहे हैं। साथ ही महाराणा के दाह संस्कार में अग्नि देने का काम भी राणावत सरदार जो पीलाधर ठिकाने के हैं, ये उनका विशिष्ट अधिकार है और अन्य कोई व्यक्ति उसमें अग्नि नहीं लगा सकता। जब
जब महाराणा की शवयात्रा शुरू होती है तो इसका भी निश्चित स्थान है। उससे पहले महाराणा की मृत्यु के कारण अंतकाल का पेटिया निकाला जाता है। अंतकाल का पेटिया चांदी की थाली और कटोरी और चम्मच के साथ में जगदीश मंदिर तक पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद में महाराणा की डोल यात्रा प्रारंभ होती है और सभी जागीरदार सिवाय बेदला को छोड़कर, बेदला का जागीरदार राजगद्दी की रक्षा करता है, बेदला का जागीरदार राजगद्दी की रक्षा करता है और वो अमूमन वहां नहीं जाता है, उसका लवाजमा वहीं रहता है। सभी जागीरदार और जो भी व्यक्ति है महाराणा के डोल के साथ रवाना होते हैं, वो सबसे पहले जगदीश मंदिर बड़ी त्रिपोलिया से निकलते हैं, बड़ी पोल से निकलते हैं, जगदीश चौक मंदिर के सामने होते हुए हाथी पोल होते हुए दिल्ली दरवाजे से निकलते हैं। दिल्ली दरवाजे के अंदर कोई भी महाराणा जीवितावस्था में नहीं निकलता है, मृत्यु के बाद ही निकलता। आखिर ऐसा क्यों? इसका कारण रहा है, कारण बड़ा स्पष्ट है कि मेवाड़ के महाराणा ने एक प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं कभी भी दिल्ली न तो मेरे पर कब्जा कर पाएगी नहीं मुझे वहां जाने की जरूरत है, इसलिए दिल्ली गेट में मृत्यु के बाद ही उससे बाहर निकलते हैं। दिल्ली गेट से शास्त्री सर्किल होते हुए बीचला बासा एक स्थान है, वहां उनको विश्राम दिया जाता है जो आजकल शक्ति नगर के कॉर्नर पर। बीचला बासा तक महाराणा की शव यात्रा के सामने सोने चांदी की बरसात की जाती है। उसके बाद में महाडोल रवाना होता है, वही राजपरिवार परिवार उसको ले जाते हैं, सभी उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं, ढोल नगाड़ा सब बजेंगे, वो मास्टर जी तक ले जाते हैं। मास्टर जी ले जाने के बाद में जिस धरती का चयन किया गया है आयड़ के अंदर, उसको शुद्ध करने का काम करम सिंह नागदा के वंशज, जिनकी पहाड़ा की जागीर है, उनके वंशज उस धरती को लीप करके शुद्ध करते हैं। उसी पर महाडोर को और लकड़ी को रखा जाता है और उस लकड़ी के अंदर सारी तरफ से उस लकड़ी को चुन दिया जाता है और फिर राणावतों की एक शाखा लापावतों का जो सरदार होता है पंडित के आदेश के बाद में वो उसमें लापा चरी से लेकर उसमें लगाता है, दूसरा कोई नहीं लगाता। महाराणा का दाह संस्कार होने के बाद में वहां पैरा लग जाता है कि कोई भी कोई छेड़ नहीं पाए, पैरा लगाने का काम बिल्कुल विशुद्ध रूप से देवड़ा सरदारों का है जो आयड़ के आसपास सारी जगीर उठी ये पैरा लगाने का। दूसरी बात कि महाराणा के उस अस्थाई मंदिर जहां उनका दाह संस्कार किया है उसकी भी रोजाना पूजा होती है, उसके भी पुरोहित होते हैं जो वहीं रहते हैं, रोज दमामी बाकायदा महास्वर्गीय महाराणा को स्वराज देते हैं और 12 दिन तक मेवाड़ के राव अमराव जो यहां उपस्थित थे उदयपुर में वो महासत्य जी जाकर के नजराना करते हैं और उनको नजराना करते हैं। महाराणा महेंद्र सिंह जी के दुखद निधन से पूरा मेवाड़ शोकमग्न है। परंपरा है कि महाराणा की गद्दी कभी खाली नहीं होती, इसलिए राज तिलक के लिए 25 नवंबर की तारीख को मुकर्रर किया गया है। वैसे आजाद भारत में राज तिलक जैसी परंपराओं का कोई स्थान नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पर राजपूत और अन्य समाज इन परंपराओं को उसी सम्माननीय ढंग से देखता है, इसलिए इस पदवी को सामाजिक मान्यता मिलती है। गुहिल राजवंश की राजधानी रहे चित्तौड़गढ़ में 728 से 1303 ईस्वी तक तत्कालीन शासकों के राज तिलक होते आए हैं। उसके बाद सिसोदिया सरदार महाराजा हमीर ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया था, जहां पहली बार महाराणा के रूप में उनका राज्याभिषेक भी हुआ और हमीर से लेकर महाराणा विक्रमादित्य तक सभी के राज तिलक इसी किले पर हुए हैं। लेकिन दासी पुत्र बलवीर ने जब धोखे से चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया तब उदय सिंह जी को कुंभलगढ़ ले जाया गया और बाद में उनका राज्यारोहण भी वहीं पर हुआ।
कुल मिलाकर चित्तौड़ किले में महाराणा विक्रमादित्य के बाद किसी भी पीढ़ी के महाराणा की ताजपोशी नहीं हुई है। लेकिन अब विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक के साथ ही 500 साल बाद पुनः इतिहास को दोहराया जाएगा। मेरा एज इतिहासकार इसमें बड़ा स्पष्ट मत है कि चित्तौड़ गुहिल राजवंश की राजधानी रही है 728 से लेकर के 1303 तक चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी था और अमूमन सभी तत्कालीन शासकों के राज तिलक यही हुआ करते थे। 1336 के अंदर महाराणा हमीर ने जब अपने बाहुबल से चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया, जो उसी रावल शाखा की एक दूसरी बाईबंद शाखा सिसोदिया शाखा का सरदार था, तो उसने इस पर कब्जा कर लिया, तो उसका पहली बार महाराणा के रूप में राज तिलक भी इसी चित्तौड़ दुर्ग में हुआ था। तो हमीर से लेकर के महाराणा विक्रमादित्य तक, महाराणा विक्रमादित्य तक, विक्रमादित्य महाराणा सांगा के दूसरे पुत्र थे। महाराणा विक्रमादित्य तक प्रत्येक महाराणा को, एक दो को छोड़ करके, इसी चित्तौड़ की धरती पर उनका राज्यारोहण हुआ है, उनका राज तिलक हुआ है। बापा रावल के वंश से पहले जब मौर्य राजा थे, उस समय भी चित्तौड़ में मौर्य राजाओं का राज किला भी हुआ करता था। एक आध बार जब महाराणा मोकल की हत्या हो गई थी बाहर, तो राज तिलक बाहर हुआ था, लेकिन अमूमन राज तिलक की परंपरा चित्तौड़ में ही रही है। और विक्रमादित्य का राज तिलक स्वतंत्रता से पूर्व वेद राज तिलकों में सबसे अंतिम था जो चित्तौड़ में किसी महाराणा का हुआ था। 1527-28 में महाराणा सांगा के देहांत के बाद में रतन सिंह उनके पुत्र मेवाड़ के महाराणा बने, उनका राज तिलक चित्तौड़ में ही संपादित किया गया। और किसी एक पारिवारिक झगड़े में बूंदी के सरदारों द्वारा मार दिए जाने के बाद उनका छोटा भाई विक्रमादित्य मेवाड़ का महाराणा इसी चित्तौड़गढ़ की पवित्र धरती में बने। उस समय जब विक्रमादित्य को उसके सिंहासन रोहण किया गया, वो मेवाड़ का अंतिम चित्तौड़ में होने वाला राज तिलक था। बालक उदय सिंह को कुंभलगढ़ में किसी कारण से छिपा दिया गया। चित्तौड़ में एक अवैध व्यक्ति जो दासी पुत्र था, बलवीर ने कब्जा कर लिया और उदय सिंह कुंभलगढ़ में थे। और कुंभलगढ़ के अंदर वो आशासार देवपुरा के पुत्र के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे थे, क्योंकि उनकी ऐसी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है तो उन पर खतरा हो सकता था। लेकिन बलवीर की आदतों के कारण सभी संबंध छोड़ करके कुंभलगढ़ चले गए और वहां पर उन्होंने 1531 के आसपास, 1531 में विक्रमादित्य का राज्यारोहण हुआ था और 1536 के आसपास उदय सिंह का राज्यारोहण, और उदय सिंह के राज्यारोहण कुंभलगढ़ में हुआ था। उदय सिंह के राज्यारोहण होने के बाद में मेवाड़ी फौजों ने बलवीर पर आक्रमण किया और यहां से भगा दिया। एज महाराणा उदय सिंह 1567 तक इसी किले में थे। युद्ध परिषद की सलाह मान करके उन्होंने किला छोड़ दिया और चित्तौड़ का तीसरा जोहर संपन्न। उसके बाद में महाराणा उदय सिंह ने इस दुर्ग की स्थिति को देख लिया कि यह दुर्ग अधिकांश काल तक अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी बड़ा आक्रमणकारी जो इसको घेर सकता है वो अपनी रसद बंद कर सकता है। इसलिए उन्होंने सुरक्षित राजधानी की खोज बहुत पहले प्रारंभ कर दी थी और 1559 में उदयपुर नगर की भी उन्होंने स्थापना करवा दी थी। उदयपुर नगर ज्योग्राफिकल दृष्टि से बहुत अच्छी है, एक बाउल की तरह है जहां एक तरफ से पानी एंटर होता है, सिर्फ एक ही जगह वापस निकल सकता है। जहां से एंटर होता है ये गोगंदा की तरफ से है, और जहां से निकल सकता है जहां उदय सागर उन्होंने बने, यदि उदय सागर के बंदे को ऊंचा कर दिया जाए तो बाउल की तरह पानी भरते हैं, बहुत ही सुरक्षित स्थान है। बाद में
जब उदय सिंह का देहांत 1572 के अंदर गोगुंदा में हो गया, तो वहां पर मेवाड़ के स्वामी भक्त सामंत ने प्रताप को अपना उदय सिंह का उत्तराधिकारी गोगुंदा में बनाया। उसके बाद में प्रताप का देहांत चावंड में हो गया, तो प्रताप के देहांत के बाद महाराणा अमर सिंह जो उनके पुत्र थे उनका राजतिलक कहां हुआ, चावंड में हुआ, और चावंड में होने के बाद में वो उदयपुर पधार गया। 1615 की संधि के बाद में वो उदयपुर पधार गए, और तब से लेकर के महाराणा महेंद्र सिंह तक सारे ही राज तिलक उदयपुर में संपादित होते रहे। कि मेवाड़ एक व्यापक टर्म है, चित्तौड़ भी उसका हिस्सा है, कुंभलगढ़ भी उसका हिस्सा है, गोगुंदा भी उसका हिस्सा है, चावंड भी उसका हिस्सा है, उदयपुर भी एक हिस्सा है। तो इससे एक सोच ये जाएगी कि मेवाड़ का राज परिवार व्यापक दृष्टि से सोचता है और चित्तौड़गढ़ इनकी पुरानी राजधानी रही है, इसीलिए इस बार ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि उनके द्वारा उठाया गया एक बहुत अच्छा कदम, क्योंकि ये इनकी राजधानी रही। जहां तक राजतिलक की परंपरा की बात है, भारत आजाद होने और देश में संविधान लागू होने के पश्चात इस तरह की परंपराओं का कोई स्थान नहीं है, फिर भी सामाजिक तौर पर राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज इन परंपराओं को उसी आदरणीय ढंग से देखता है जैसा कि वो पहले देखता है, क्योंकि हर जाति में भी अपने अपने जो पुरोहित होते हैं, अपने अपने जो पटेल होते हैं, उनका राज्यारोहण होता है। इसीलिए ये सामाजिक रूप से इस क्षत्रिय वंश के या क्षत्रियोचित वंश के एक नेता के रूप में इनको मान्यता मिलती है। 500 साल बाद एक बार फिर चित्तौड़गढ़ का फतेह प्रकाश महल महाराणा के राज्यारोहण का साक्षी होगा। 25 नवंबर को 10:30 बजे राजतिलक की रस्में पूरी होंगी। किले पर मान्यता के सभी मंदिरों के पुजारी पहुंचेंगे और उनको आक्षाएं बख्शी जाएंगी। उसके बाद चित्तौड़गढ़ से रवाना होकर विश्वराज सिंह मेवाड़ उदयपुर के राजमहल पहुंचेंगे और वहां 400 साल पुरानी धूनी के दर्शन करेंगे। धूनी के दर्शन के साथ ही कुल के सभी पूर्वजों का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद त्रिपोलिया होते हुए महाराणा विश्वराज सिंह का काफिला एकलिंग जी दर्शन को जाएगा। यहीं पर एकलिंग नाथ के पुजारी उन्हें रंग देते हुए शोक भंग करवाएंगे और कलर की पाग विश्वराज सिंह को पहनाएंगे। इसके बाद महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ समूरबाग जाएंगे, जहां परिवार और मेवाड़ के जागीरदारों को रंग बख्शेंगे ताकि उनका भी शोक भंग हो जाए और सभी रंग की पाग बांध सके। ऐसा है कि महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ का 10 तारीख को दिन में करीब 2 बजे के आसपास देहावसान हो गया था। तो ये क्या है कि असामयिक निधन ही था, एक तरह से हम नहीं सोच रहे थे ऐसा हो जाएगा, परंतु हो गया। उसके बाद में क्या है कि अब परिस्थिति यह रही कि वो सब कार्यक्रम तो होने ही थे, और अब जो क्या है कि महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी है, अब वो उनके उत्तराधिकारी हैं। तो अब क्या है कि 77वें मेवाड़ राजवंश के उत्तराधिकारी महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ होंगे, और इसके लिए क्या है कि एक प्रोसेस है कि 12वें दिन की जो क्रियाएं सब हो जाएगी 21 तारीख को, 21 तारीख को 12वें दिन की क्रियाएं होने के बाद में हमने क्या है कि राज तिलक का जो उत्सव होता है उसके लिए क्या है कि अच्छा मुहूर्त निकालना होता है। तो वो मुहूर्त निकला है हमारे 25 नवंबर का। तो 25 नवंबर के दिन क्या है कि सभी जनता की ज़्यादातर भावनाएँ थी कि हम सिटी पैलेस में करें, माणक चौक में, कुछ की भावना थी कुंभलगढ़ में करें, कुछ लोगों की भावना थी कि समोरबाग पैलेस में ही करें, और ज़्यादातर जो संभावना और लोगों की भावना थी कि क्यों नहीं चित्तौड़ दुर्ग पे किया जाए, वहाँ से क्या 7 जिले कवर होते हैं और सभी पहुँच जाएंगे। तो उसके मद्देनज़र हमने क्या है कि मुहूर्त निकला है पंडितों से, तो पंडितों ने निकला है कि भाई 10:30 बजे 25 तारीख को चित्तौड़ किले पर राजतिलक की रस्में शुरू होगी, और वहीं सभी जो मंदिर हैं अपने मान्यता के वहाँ के पुजारी सब पहुँचेंगे वहाँ,
और राज तिलक की रस्म अदायगी होगी और वहाँ उनको आशिकाएँ बख्शी जाएगी। जब वो राज तिलक की 2-3 घंटे का प्रोसेस वहाँ हो जाएगा, उसके बाद में वो चित्तौड़ से उदयपुर राजमहलों में पहुँचेंगे। वहाँ जो 400 साल पहले जो स्थापना हुई थी इन महलों की, वो धूणी पे, पहले उस धूणी के दर्शन करेंगे, फिर कुल के देवताओं के दर्शन करेंगे और वहाँ से त्रिपोलिया होकर सीधे पधारेंगे एकलिंग जी दर्शन करने। तो वहाँ क्या है कि एकलिंग नाथ उनका शौक भंग करवाएंगे, एकलिंग नाथ के पुजारी उनको रंग देंगे, तब वो सफ़ेद पाक के बाद में कलर की पाक बांध सकते हैं। तो महाराणा का, विश्वराज सिंह जी महाराणा का शौक भंग एकलिंग जी करवाएंगे, फिर वो समोरबाग पैलेस में पधारेंगे, वहाँ अपने परिवार और जो जागीरदार हैं मेवाड़ के उनको वो रंग बख्शेंगे ताकि दूसरे दिन से वो रंग की पाक बांध सके। ये एक रस्म है जो सांस्कृतिक रस्म है, वो हम पूरी करेंगे 25 तारीख को। समोरबाग से चित्तौड़गढ़ तक मेवाड़ राज घराने की 77वीं पीढ़ी के विश्वराज सिंह मेवाड़ का महाराणा के रूप में स्वागत अभिनंदन होगा। सोचिए यह कितना स्वर्णिम पल रहेगा जिसका साक्षी पूरा मेवाड़ और इस भव्य समारोह में शिरकत करने वाले खास आम बनेंगे। राज तिलक को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हमारे सहयोगी राजेंद्र सिंह शेखावत ने चित्तौड़गढ़ जिले की उस जगह का जायजा लिया जहां पर राज्याभिषेक होना है और दुर्ग पर व्यवसाय करने वालों से भी जाना कि उनको कितनी खुशी हो रही। खुशी और गर्व की बात भी है कि आखिर 500 साल बाद इतिहास दोहराने जा रहा है जिसे आज तक किताबों और कहानियों में ही सुना था। माता जी क्या नाम है और कहाँ रहते हैं आप? मैं किले पे रहती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा गीता देवी नाम है। गीता देवी, गीता देवी जी एक बात बताइए कि इस 25 तारीख को मेवाड़ के जो नए महाराणा हैं उनका यही राज तिलक होने वाला है, तो क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, हम भी खुश हैं। किस तरीके से देख रहे हैं कि भाई महाराणा आएंगे, हम उनके क्या स्वागत में क्या तैयारी करते हैं? देखो स्वागत में तो आपकी इच्छा हो जाए तो तैयारी कर सकते हो आप। हमारे तो देखो ठेला गाड़ी लगाते हैं, पर हमको भी खुशी है, खुशी है भाई यहाँ राजा दरबार आएंगे, उनका राज तिलक होगा तो हमको भी खुशी है, होना चाहिए। हमारे साथ है गाइड एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हरीश जी शाह। हरीश जी, 500 साल बाद एक मौका पड़ा है कि इस दुर्ग पर एक भव्य राज तिलक होने जा रहा है, विश्वराज सिंह जी मेवाड़ को, मेवाड़ की राजगद्दी पर बिठाया जाए, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर 493 साल पहले लास्ट जो राज्याभिषेक हुआ था, उसके बाद जो ये राज्याभिषेक हो रहा है, ये पूरे चित्तौड़गढ़ के लिए नहीं जबकि पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे महाराणा साहब जिस स्थान पर उनका 800 साल तक परिवार रहा है वहाँ राज्याभिषेक हो रहा है। तो ये चित्तौड़गढ़ वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, राजस्थान के लिए बहुत अच्छी खबर है और इससे हमारा चित्तौड़गढ़ जो है पर्यटन के परिदृश्य पे भी अच्छे लेवल पे उभरेगा और इससे जो है चित्तौड़गढ़ का पूरे विश्व में नाम भी होगा कि महाराणा का राज तिलक जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर हो रहा है। महाराणा साहब जो 25 तारीख को अपने लाव लश्कर के साथ, लवास में के साथ चित्तौड़गढ़ में आएंगे, सत्य प्रकाश के प्रांगण के अंदर जब उनका राज्याभिषेक होगा परंपरा के अनुसार, तब गाइड एसोसिएशन उनके स्वागत के लिए क्या तैयारियां करेंगे? अभी हमारे इस संबंध में हमारे गाइड एसोसिएशन की मीटिंग भी हुई थी कल, अभी तक जो है हम उसके ऊपर रूपरेखा बना रहे हैं किस तरह से उनका स्वागत किया जाए, तो वो प्लानिंग अभी हमारी फाइनल जब मीटिंग हो जाती है उसमें क्या रहेगा वो हम तय करके, हमारी तरफ से भी एक अच्छा वेलकम महाराणा साहब का, पूर्व में भी हमारे द्वारा जौहर समर्थित संस्थान के द्वारा जो जौहर मेला होता है, मीरा उत्सव होता है, उसमें हम स्वागत करते हैं, तो इसमें भी कोई भी बहुत अच्छा कार्यक्रम के अंदर करेंगे। या यूँ कहें कि गाइड एसोसिएशन इस भव्य कार्यक्रम के लिए तैयार है? बिल्कुल, गाइड एसोसिएशन जो है जैसे ही हमारे को न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगा कि उनका राज तिलक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर फतेह प्रकाश प्रांगण में होने वाला है, तब से जो है सबके मन में बहुत खुशी की लहर है और सबके मन में उत्साह है, सब चाहते हैं कि कुछ हम नया करें और ताकि हमारे चित्तौड़गढ़ की अच्छी छवि जो है पूरे भारतवर्ष में जाए। अभी उदयपुर न्यूज़ चैनल जहां खड़ा है वो चित्तौड़ दुर्ग की ऐतिहासिक इमारत फतेह प्रकाश, जहाँ 25 नवम्बर को एक भव्य आयोजन होने जा रहा है
मेवाड़ राजवंश की 77वीं पीढ़ी के उत्तराधिकारी विश्वराज सिंह का राजतिलक समारोह इसी प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। उम्मीद ये की जाती है कि इस कार्यक्रम में मेवाड़ राज घराने से जुड़े हुए जितने भी बड़े राव उमराव जागीरदार घराने हैं उन्हीं के साथ कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी इस आयोजन की साक्षी बनेगी। ये बड़े सौभाग्य की बात है। कभी गुलामी नहीं स्वीकारने वाले मेवाड़ राजवंश की 77वीं पीढ़ी के विश्वराज सिंह का राज तिलक अपने आप में काफी भव्य होने जा रहा है। वहीं एक और नया इतिहास चित्तौड़गढ़ में 500 साल बाद बनने भी जा रहा है, जिसके साक्षी कई राजे रजवाड़े राव उमराव और खासो आम बनेंगे। उदयपुर न्यूज भी कोशिश करेगा कि राज तिलक से जुड़ी पल पल की खबर आप तक पहुंचाएं। नमस्कार, जय मेवाड़।